सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संडे कमेंट बॉक्स सीरीज वन के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके सारे सवालों को जवाब देने वाला हूँ जो कि दोस्तों आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे थे। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, चैनल पर जल्द कर दीजिए सब्सक्राइब, तो क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो हम लाते रहते। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो, जानते हैं आपके मजेदार कमेंट के बारे में। मनोज ने कहा था कि यूट्यूब पर क्लिक बेट करना जरूरी है, तो आप बताओ कि क्या क्लिक बेट करना चाहिए। न भैया, इस पर मैंने हिमाचल भाई पहले ही वीडियो बना दी है, तो आप वो देख लीजिए। और दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि भाई इस तरह से क्लिक बेट कर कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। भाई उन्होंने कुछ कहा था तो उन्होंने सोच समझ कर, मैं मनोज भाई को भी बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भाई आगे बढ़ना है तो सिर्फ सिर्फ अच्छे और दोस्तों लोगों को बताकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से दोस्तों क्लिक बेट कर कर आगे बढ़ना ये हमारे फेसिस में नहीं आता है। तो दोस्तों इसलिए आप क्लिक बेट अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो दोस्तों आप सोच बंद कर दीजिए सोचना कि भाई मैं एक दिन बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा। तो बस दोस्तों मेरा जवाब इतना ही, तो अगले कमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों टेक पिंड वाला फैक्ट पूछते हैं कि भैया आप तो साल टीवी की तरह ही बोलते हो। थैंक यू भाई कि मुझे आपने मुझे किसी की काबिलियत के बराबर समझा, ये सब आपका प्यार है भाई। जैसा मेरा कंटेंट है मैं बनाता हूँ, मेरी भाषा है, मैं एक्चुअली दोस्तों मैं गुजराती बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों आपके लिए मैंने हिंदी भी सीख ली है, मुझे आती है। जितना मुझे हिंदी में समझ में आता है, जैसा मुझे बोलना पसंद है, उसी तरह मैं दोस्तों आपके सारे सवालों को जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों तीसरा सवाल पूछते हुए टेक्निकल प्रहलाद बोलते हैं कि भैया सुपर भाई आप वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो। भैया मेरी वीडियो बनाना मेरा काम है, लेकिन दोस्तों उस वीडियो को ऊपर पहुंचाना, मुझे ऊपर पहुंचाना, ये सारा दोस्तों आप पर निर्भर करता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ भाई ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि दोस्तों एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम पर हम दोस्तों सोच कर चलते हैं। मेरा कंटेंट है बस आपको समझाना बताना, और दोस्तों आपको हर चीज़ के बारे में पता चले, यही मेरा दोस्तों लक्ष्य है। यहाँ पर चौथा सवाल पूछते हैं हुफीजा महाबेब, अपकमिंग यूट्यूबर डिस्किट भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू बहुत बहुत, आप ही का प्यार, आप ही का सपोर्ट के साथ दोस्तों ये सब मुमकिन हो पा रहा है अभी तक। दोस्तों बहुत सारे छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन दोस्तों अब क्या कहें आपको कि कौन कितना चलता है, ये सब दोस्तों आपके हाथ पर है, आपको हम सौंप देते हैं कि भैया आप कितना प्यार देते हो। यहाँ पर दोस्तों पांचवा कमेंट करते हैं टेक्निकल ज्ञान, ये पूछते हैं कि भाई नाइस कैमरा कौन सा है भाई। तो नाइस कैमरा भाई अभी तक मैंने तो सेट नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाना पसंद करता हूँ, मुझे मोबाइल में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है भाई। इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ एक मोबाइल है मेरे पास, इसलिए दोस्तों मैं आप देख सकते हो कि मैं इसमें लिखकर आपके कमेंट बॉक्स का जवाब दे रहा हूँ। तो अभी तक मुझे पता नहीं है दोस्तों, लो बजट में अगर आप यूट्यूबर के लिए यूट्यूब के लिए कैमरा लेना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आप मत लीजिए भाई, क्योंकि आप मोबाइल ले सकते हो अच्छा खासा दोस्तों, 48 मेगापिक्सल कैमरा आ रहा है, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर दोस्तों छठा जो सवाल पूछते हैं वो पूछते हैं शिव गेमर भाई, पढ़ाई लिखाई कर ले। तो दोस्तों मैं कह देता हूँ इस तरह के व्यूवर्स के भाई, जहाँ तक मेरे पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो मैं पढ़ाई लिखाई भी करता हूँ, मैं घर का भी काम करता हूँ, और दोस्तों मैं आपको समझाना मेरा करियर बनाना, और दोस्तों ये भी मैं काम करता हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके ही भाई हर कोई आदमी महान नहीं बनता, हर कोई आदमी पढ़ाई लिखाई करके ही ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता भाई। हमारा कंटेंट अच्छा है, हमें अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो दोस्तों उसके ज़रिए भी हम ऊपर तक पहुँच सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं शिव गेमर भाई को बोलना चाहता हूँ कि भैया इस तरह की कमेंट अगर आप करते हो तो भाई प्लीज़ इस तरह का कमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह से बहुत डिमोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। किसी को यूट्यूब पर इस तरह से वीडियो बनाकर देना कोई कम बात नहीं है, अगर किसी को भी मैं सबका काम समझता हूँ, सबका काम डिफिकल्ट है। तो दोस्तों इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ, घर का काम भी कर रहा हूँ, दोस्तों मैं यूट्यूब भी चला रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों सातवां सवाल निकल कर आता हुआ है टेक सचिन की तरफ से, यानी कि भैया टेक सचिन पूछते हैं कि भैया आप प्लीज़ चैनल का नाम चेंज कर दीजिए। भाई मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, उसमें कह चुका हूँ कि भाई मैं नाम चैनल का एक ऐसा रखना चाहता हूँ जो कि दोस्तों कोई यूट्यूब पर दूसरा ना हो, यानी कि दोस्तों यही मेरा लक्ष्य था कि भाई टेक्निकल कौन कौन से ऐसे चैनल है जो कि दोस्तों सेम एक जैसे नाम रख लेते, इससे दोस्तों कोई ऊपर नहीं पहुंच सकता, ये कॉपीराइट हो गया कि भाई उसका नाम मैं क्यों रखूँ, क्या मैं मेरा नाम रखकर ऊपर नहीं जा सकता। यही दोस्तों आपका कंटेंट है, नाम पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका नाम से भी सभी को मोहब्बत होने लगती है मेरे भाई। यहाँ पर दोस्तों आठवा और आखिरी सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं भाई लफंगा, ये भी चैनल का नाम है भाई लफंगा,
भाई चैनल का कस्टम थंबनेल बनाने के लिए एक वीडियो बनाओ। तो भाई कस्टम थंबनेल बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, यानी कि दोस्तों दो वीडियो बना दिए हैं मैंने। तो दोस्तों वो दोनों आप जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा बताया कि मैं कैसे मेरी कस्टम थंबनेल बनाता हूँ। तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ हमें वापस संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगा, और हमें अच्छे अच्छे कमेंट आप कर सकते हो अगर आपका भी नाम अगले कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसा सवाल है मज़ेदार तो मुझे पूछिए इस वीडियो के नीचे, अगले कमेंट संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो बस दोस्तों आज इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।